So, we have with us today Mr. Prince Katyar, who is a data scientist and mentor at iNeuron AI. So, please come in. It's a pleasure to meet you. you. Please take a seat. सो हाई एवरी वन आई एम प्रिंस कट यार वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड मेंटर एट आई न्यूरोन तो अपनी डेटा साइंस की जर्नी के बारे में बात करें तो लास्ट सिक्स ईयर से मैं इस जर्नी में हूँ और मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया पी भी कर रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट से और पिछले कुछ सालों से आई न्यूरोन में एज ए डेटा साइंटिस्ट एंड मेंटर काम कर रहा हूँ प्रिंस ऑल एट एड्रेस दी एलिफेंट इन द रूम वी नो दैट वेर इन द ले फेज है ना दर सो मेनी आर्टिकल्स on the news constantly talking about massive layoffs in tech even the giant companies like apple google sony आपको क्या लगता है क्या जैसा कि आ, आप अगर कहीं भी सर्च करेंगे ये कीवर्ड कि की ले ऑफ हो रहा है या किस वजह से ले ऑफ हो रहा है तो हम हर जगह यही कीवर्ड मिल रहा है कि एआई वजह से ले ऑफ होने वाला है या रिसेशन की वजह से ले ऑफ होने वाला है तो अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का स्टैट था कि 2022 में जो ले ऑफ हुए तो वो मोर देन टू एंड ए हाफ लाख ठीक है वो टू लाइफ फिफ्टी थाउजेंड और अगर हम बात कर लेते हैं कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में क्या हुआ तो एक लाख पचास हजार वहां पर भी हुआ और अभी सिर्फ तीन महीने हुए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में मोर देन थर्टी फोर थाउजेंड ले ऑफ हो चुके हैं तो ले ऑफ तो हो रहे हैं ये टेक्नोलॉजीज आ रही है अपग्रेड हो रही है तो ले ऑफ तो हो रहे हैं बट इसके अगर तो इस हम बोल सकते नहीं हुआ कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक अगर हम बात करते हैं रिसेशन की तो वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर्स हमारा अगर हम बात कर लेते हैं कोरोना का कि उसके जो पोस्ट सिम्टम्स हैं जो उस समय चीजें हुई थी उसका अब हमें इम्पेक्ट देखने को मिल रहा वो भी हम एज ए ले ऑफ के फॉर्म में देख सकते हम बात करें उस समय जो हायरिंग हुई थी बट को जरूरत थी सारा कुछ वर्क फ्रॉम होम अब उनकी जरूरत नहीं है तो उसकी वजह से भी अभी ले कर रही है। या जो की टूल्स आ रहे हैं ये लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तो इसकी वजह से भी हमारे बढ़ते चले आ रहे हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर रहता है जो रिसेशन को बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली बताता है कि जो वर्ल्ड का स्टेबिलिटी है या वर्ल्ड की सर्टेनिटी की हम बात करें कि जैसे हम आपको पता होगा रशिया वार या रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है इसके बाद ही इसराइल और हमास का भी वार चल रहा है ईरान और पाकिस्तान का भी वार चल रहा है तो इतनी सारी अगर अनस्टेबिलिटी रहेगी तो जाहिर सी बात है मार्केट में थोड़ा सा इशू रहेगा तो कंपनियां पैसा डालने में हमेशा डरती रहेंगी तो ये भी वन ऑफ द हमारा इंपॉर्टेंट रीजन रहता है इसकी वजह से हमारे ले बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है ट्वेंटी में कोई आइडिया नहीं क्या होने वाला है रिसेशन रिसेशन का बात किया था ना होता क्या ओके okay, हाँ जो भी हमारे हैं अगर लग रहा कि इकॉनमी तो मतलब है? जो है हमारी वो अपने को एडजस्ट कर रही का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ जा रही मीनस कभी ऊपर जा रही कभी नीचे बट हमेशा ऐसा नहीं होता इकोनॉमिक जो कर्व होता है वो हमारा या तो ऊपर जाएगा तो जो फॉल डाउन होता है इसी को हम बोलते हैं क्या इकोनॉमिक रिसेशन मीन्स एडजस्टमेंट चल रहा है हमेशा ग्रो नहीं कर सकता अगर आप कोई भी ग्राफ देखो किसी पर्टिकुलर कंपनी के ग्राफ देखो या कि किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन का ग्राफ देखोगे तो वो कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो सेम हमारा इकोनॉमी काम करता है तो ये जो नीचे वाला है इसी को हम बोल देते हैं रिसेशन ठीक तो इसे हम बोल सकते हैं कि रिसेशन है बट रिसेशन के बारे में आपको कुछ अच्छी चीजें बताता हूँ कि ये इसका कुछ अच्छी ये है कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म नहीं चलता ये एक महीना दो महीना तीन महीना मैक्सिमम एक साल या दो साल के अंदर खत्म हो जाएगा तो बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है क्योंकि एक या दो साल बाद चीजें फिर से नॉर्मल होनी है और बताया जा रहा है कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन शायद खत्म हो जाए बट अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हो सकते हैं हम लोग तो और इसके दूसरी चीज जो हमारा रहता है रजिस्ट्रेशन का वो ये रहने वाला है कि रिसेशन के बाद जब भी अगर हम बात करते हैं रिसेशन जो लास्ट रिसेशन हुआ था हमारा 2008 में तो उस रिसेशन के बाद भी बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आई थी बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटी आई थी तो वी आर बिलीविंग दैट कि आने वाले टाइम में इस रिसेशन के बाद भी बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी हम ऐसा होप कर सकते हैं और एक चीज रिसेशन और रिसेशन के बारे में यह रहता है कि रिसेशन जो रहता है वो हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं है, ये रिसेशन किसको करता है? आ, आप इकोनॉमी को ले लीजिए हर फील्ड को ये कर सकता है बट यहाँ पर हम लेप्स के बारे में बात करते हैं तो हम स्पेशली तीन चीजों को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे लाइक स्टूडेंट हो गया या प्रोफेशनल्स हो गया या कंपनीज ये हमारे ले से रिलेटेड है तो इन्हीं पर हम बात करेंगे किस तरीके से हमें इम्पेक्ट करने वाली है तो अगर हम कंपनीज की बात करते हैं अगर रिसेशन चल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी में मार्केट में पैसा नहीं है मार्केट में पैसा नहीं है तो कंपनियां क्या करेंगी जो न्यू हायरिंग है उन्हें नहीं कर पाएंगी अगर कोई स्टार्टअप है तो वो क्या कर सकती है उनको फंडिंग नहीं मिलेगी ये सारी चीजें हमारी होगी तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कि इंडिया के कुछ स्टार्टअप थे एक सर्वे से बताया चला कि मोर देन फाइव थाउजेंड स्टार्टअप लास्ट वन ईयर में इंडिया में बंद हो गए तो उसका वन ऑफ द रीजन ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम बोल दें रिसेशन ही बोला जाएगा ठीक है तो अगर और भी एग्जाम्पल इंटरनेशनल कंपनीज लेते हैं हम एमजॉन को लेते हैं तो उसने भी अपने कुछ डोमेन्स को कट कर दिया लाइक अलेक्सा वाला उसका डोमेन था उसको रिसेशन की वजह से उसे नहीं चाहिए अब बंद कर दिया या हम बोल दें कि उसका फार्मा सेक्टर जो उन्होंने कोरोना के टाइम पे शुरू किया था अब उन्हें एक्स्ट्रा लग रहा या रिसेशन की वजह से वो अपना पैसा इसमें नहीं डालना चाहते नहीं। तो इसको भी उन्होंने कट कर दिया अगर गूगल की बात करें तो मोर देन ट्वेल्व थाउजेंड एम्प्लॉयज को उन्होंने निकाला है अगर हम और भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो सारी कंपनियां निकाल ही रही हैं और अगर हम इंडिया लेवल पर छोटी कंपनीज के बारे में बात करें तो वहां पर भी सेम ही हालत है अगर हम बात करते हैं पेटीएम की या वाईजूस की बात कर लें हम या हम डाउट नेट की बात कर लें ये बहुत ही बड़े जॉइंट स्टार्टअप थे एक टाइम पर दो साल पहले बट अभी क्या हालत है आप सबको शायद पता होगा कि बायजूस की कितना रह रहेगी है अगर हम बात करते डाउट नेट जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप था वो भी अभी तक मतलब सेल किया गया जस्ट अभी बहुत, बहुत कम में sell किया गया। तो ये सारी चीजें हो रही Means company भी इफेक्ट हो, तो हो रही है तो जैसी बात है student या तो इम्पैक्ट होंगे जब सुपर डोमेन ही इंपैक्ट हो रहा तो वो बाकी चीज तो होने वाली है तो अगर हम स्टूडेंट का भी बात कर लें इसी में कि हो रहे नहीं तो स्टूडेंट के दो कैटेगरीज हो सकते हैं जो फर्स्ट ईयर में है सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में वो आई थिंक इससे इंपैक्ट नहीं करेंगे क्यों का टाइम पीरियड कितना बोला मैंने अभी जस्ट की आ, कितना हो सकता है एक महीना दो महीना हाँ। पांच महीना एक साल मैक्सिमम तो जो थर्ड ईयर में है जब तक उसका टर्म आएगा जॉब या इन सब चीजों के बारे में तब ये सब कुछ ओवर हो चुका है हाँ। तो बट अगर जो फोर्थ ईयर में हाँ। उसके लिए कंसर्न है तो उसे सोचना पड़ेगा क्या कर सकता है उसके पास हाँ। स्किल्स हैं उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही क्योंकि कंपनी ने क्या कर रखा भाई जो भी हायरिंग थी उसको फ्रीज करा तो कंपनी ने हायरिंग फ्रीज की तो स्टूडेंट कहा जाए अगर हम एक आपको डाटा बताते हैं कि टीसीएस है विप्रो है इंडिया में सबसे ज्यादा मास हायरिंग यही लोग करते हैं बट लास्ट ईयर से क्या हुआ कि कि विप्रो ने जो अभी तक हर साल 3.5 लाख स्टूडेंट को जॉब देते थे ये दोनों कंपनियां मिलके वो इस साल हायरिंग ही नहीं कर रही तो सोचिए वो 3.5 लाख स्टूडेंट का क्या हो रहा है या वो लोग क्या करने वाले हैं तो ये एक दिक्कत तो है बट ये दिक्कत है इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमिना है मेरे हाथ में नहीं अगर सपोज यूएस के इकोनॉमी डाउन है उसकी वजह से सारा कुछ यहाँ डाउन होता जा रहा है तो उसमें हम क्या या कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या करेगा कुछ नहीं कर सकता तो स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना चाहिए लाइक की स्टूडेंट

और कनेक्शन की बात करें तो आप जितना ज्यादा रिफरेंस बनाएंगे कनेक्शन होंगे आपके उतने ज्यादा चांसेस रह जाते हैं आपके जॉब मिलने के तो ये दोनों चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं इसके साथ आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है लाइक एक बहुत सारे जो टॉप मैनेजमेंट रहते हैं वो लोग हमेशा यही चीज बोलते हैं कि स्टूडेंट में टेक्निकल स्किल्स है बट जब बात आती है सॉफ्ट स्किल्स की कम्युनिकेशन की तब स्टूडेंट वहां पर वो चीजें हमें नहीं देखने को मिलती है। अगर ऐसा होगा जैसे कंपनी क्या कर सकती है अगर आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि एक फ्रेशर्स को सारा कुछ आना चाहिए बट क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप प्रॉपर बोल पाओ जो चीजें आप कम्युनिकेट करना चाहो वो कर पाओ अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं आपका कमांड है सॉफ्ट स्किल्स पे कम्युनिकेशन आपका अच्छा है आपका लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी है लीडर तो नहीं बोलेंगे बट कनेक्शन जो आपके हैं लोगों से बात करने का तरीका अगर ये अच्छा है तो अगर आपका टेक्निकल थोड़ा सा खराब भी तो कंपनी आपको प्रेफर कर लेती तो इन चीजों पर भी काम करना जरूरी है बहुत बार मैंने ऐसे देखा है बहुत बार सुना है कि जो एच हो उनका यही कंप्लेंट कर रहे होते कि बच्चों को नॉलेज है बट उनका बात ही नहीं बता रहे जो उनका नॉलेज वो हमें समझा ही नहीं पा रहे तो ये दिक्कतें तो हैं तो ये सारी चीजें हो सकती हैं और इसके साथ अगर हम प्रोफेशनल्स के बारे में बात करें तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं ले ऑफ है पैसा कंपनी कट करना चाहती है कॉस्ट कटिंग कंपनी अपना करना चाहती तो प्रोफेशनल पे तो आएगा क्योंकि कंपनी चाहती थी जो अभी पंद्रह लाख जिसे दे रहा था तो उसे अब दस लाख के लिए बात कर रहे हैं मीन सैलरीज को भी डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या करना अगर उनको ले ऑफ कर दिया गया सपोज कंपनी ने ले ऑफ कर दिया तो अब क्या होगा भाई अब ये होने वाला है वो ये होगा कि आप Amazon में सपोज काम कर रहे थे आपका पैकेज था पच्चीस लाख ठीक है okay. इससे ज्यादा होता है और अगर आप इस दूसरी कंपनी में आ गए सर्विस में कहीं पे आ गए आपको सपोज बड़ी कंपनी में थे आपको जॉब मिली आपको वहां दस लाख मिला तो आपको अच्छा नहीं लगेगा हुँ. तो ये उनके लिए दिक्कतें आ रही कि अब वहां से यहां तक कैसे सर्वाइव करें तो भाई देखो इस समय मेरा उनको ये सजेशन रहने वाला है कि ये ले ऑफ है हमारे हाथ में नहीं है तो इस समय जो आपको करना वो यही करना है कि इस समय

उसको ओवरकम कैसे या, ओके बात है एंगइाइटी तो होगी अगर आपको पैतीस लाख ऐसा कुछ मिल रहा था पैकेज अब आपको दस लाख मिल रहा तो एंग्जाइटी तो जाहिर बात है आने वाली है बट कुछ चीजें आप कर सकते हो थोड़ा सा अगर एक्टिव रहोगे चीजों को देखोगे थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे मार्केट का एनालिसिस करते रहोगे तो चीजें आपके लिए इजी हो सकती है लाइक अगर हम बात करते हैं कि कोई एम्प्लॉय है अगर वो देख रहा कि एआई में चीजें न्यू आ रही है तो उसे सीखना चाहिए ना भाई एआई का पहला रूल क्या होता है चेंज इज द ओनली दी टेक इंडस्ट्री का क्या है कि अगर आप खुद को अपडेट करते रहोगे

तो ये कुछ तरीके हैं जिन पे आपको मींस अगर हम एक वर्ड में बोले तो खुद को आप जितना अपस्किल आप करोगे आपके लिए आपके चांसेस कम है हम्म ओके बट आई मीन यू जस्ट spoke about एआई है ना बट एक बड़ा सा सवाल हमेशा एआई के साथ आता है व्हिच इज एम आई गना बी रिप्लेस्ड बाय एआई इज एआई गना टेक ओवर माय जॉब आपको क्या लगता है होगा ये क्वेश्चन तो हमें यूट्यूब जो हम क्लासेस लेते हैं वहां पर भी हमारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर क्या ए की वजह से मेरी जॉब जाएगी जो जब वेब डेवलपमेंट के बच्चे हैं कि हमें भी अब ए ही सीखना चाहिए या फिर जो भी चीज़ हमने सीखी वो सब बेकार है क्या बस ए में आ जाओ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है एक सर्वे है उन्होंने क्या किया जो भी हमारी जॉब थी जितनी भी कैटेगरीज की जॉब थी उनको फोर सेगमेंट में डिवाइड किया उसके बेसिस पे आपको समझाएंगे कि क्या ए हमें रिप्लेस करेगा कि ए की वजह से हमारी जॉब जाने वाली है या नहीं तो चलिए इसे थोड़ा सा समझते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी क्या है पहली कैटेगरी में हैं कि जिनकी जॉब की वजह से जा रही भाई हाँ ऐसा है आया है वो काम कर सकता है तो जो लोग यही काम कर रहे थे कस्टमर केयर वाले लोग हैं तो बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे आ चुके हैं ऑलरेडी जो इन सारी चीजों को अप्लाई कर रहे हैं वो अपने कस्टमर या सेल्स वाले डिपार्टमेंट को हटा के वहां पर ए आई को इम्प्लीमेंट कर दिया अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारा दुकान हमारा पेटीएम ये कुछ एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने कस्टमर या जो भी वैल्यूज होती हैं मतलब वर्क वाले लोग होते हैं उनको रिप्लेस करके वहां पर एआई को डाल दिया तो ये चीजें हो गई तो इनको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो खुद को अपडेट करें इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है मीन्स डोमेन चेंज कर लें तो डोमेन चेंज करना अगर पॉसिबल नहीं है तो आपके लिए क्या ऑप्शन है ए आई के जो टूल्स हैं उनको सीख लो इतना आपको करना पड़ेगा अदरवाइज आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा डोमेन चेंज करना तो बेटर विल बी की आप ए के टूल सीख लो क्योंकि ए आपको नहीं रिप्लेस कर रहा कौन रिप्लेस कर रहा भाई दूसरा ह्यूमन जो आपको जिसे ए आई के टूल्स आते हैं तो आप भी बन जाओ वो आप टूल्स सीख लो भाई आप रिप्लेस नहीं होगा सीधी सी बात हो जाती है हमारी ठीक है तो अगर सेकेंड की बात करते हैं जो सेकेंड कैटेगरी बनाई है डब्लूफ -E ने तो सेकेंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ए का यूज करके अपने चीजों को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं हम अपनी बात कर लेंगे डेटा साइंटिस्ट हमें डेली बेसिस पे यूज करने पड़ते हैं कोड तो हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं इसी तरीके से अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो बहुत सारी इमेज वीडियो वाले टूल्स हमारे पास एआई के हैं उन्हें आप यूज कर सकते हो मैथमेटिशियंस हो गया बड़ी सी कैलकुलेशन करनी नहीं करनी एआई का टूल कर लेंगे इसी तरीके से हमारे और भी हैं साइंस साइंस या इंजीनियरिंग डोमेन में बहुत सारे लोग इसका यूज करके और प्रोडक्टिव बन सकते हैं यहां पर हमें ये नहीं मानना चाहिए कि चैट जीपीटी आ गया भाई मेरा तो कोडिंग की जॉब जा रही जा रही भाई वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं कर रहा कर भी रहा तो अगर आपको कोडिंग आती है अगर आपको पीछे का लॉजिक पता आपको स्ट्रक्चर पता तो उसके लिए तो एक चाहिए तो अगर आपको आता है तो आप इसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं ठीक है अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी की तो थर्ड कैटेगरी में जो हमारे आते हैं वो ऐसे हैं कि जिनको ए छू भी नहीं सकती उनके लिए कोई भी ए से परेशानी नहीं है उन्हें ए कभी भी रिप्लेस नहीं करेगी तो वो हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं लाइक नर्स हो गया एच हो गया अब सबसे अच्छा जो मेरे सबसे लगता मुझे वो ये सेक्टर रहने वाला कि ई की वजह से भी नई जॉब्स आ रही हैं जैसे पहले भी हुआ था कैलकुलेटर जब रिप्लेस किया गया था तो नई नई डोमेन आए नए नए जॉब्स आए तो सेम अभी भी आ रहा है तो उन सेक्टर्स में अगर आप चाहें तो कैरियर बनाएंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहने वाला बहुत फायदे रहने वाले हैं तो उन सेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बात यह रहेगा कि जैसा कि कुछ है कि डेटा जो भी हम एआई में यूज कर रहे हैं तो क्या वो डेटा बस डायरेक्टली आप डाल दो उसमें वो सारा कुछ एआई यूज कर पा रहा है ऐसा तो नहीं है उस डेटा को पहले ट्रेन करना पड़ता है बहुत ज्यादा उसमें जो भी क्लीनिंग का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे काम होते हैं तो वो जो चीजें हैं हमारा डेटा क्यूरेटर हम बोल सकते कि वो चेक करेंगे डेटा सही है नहीं है वो सारे एक नए फील्ड बन रहे नए जॉब बन रही है इसी तरीके से आपने भी सुना होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर को दो दो करोड़ की जॉब्स मिल रही है तो ये एक नई डोमेन हमारा बन रहा है और हम बात कर हैं कि एथिक्स का एआई जो भी काम दे रही है जो भी चीजें वो बना रही है हमारे तो वो एथिकल है जो भी आंसर वो दे रहे क्या वो एथिक्स है किसी की फीलिंग्स को तो नहीं हार्म कर रहे है। किसी के लिए कुछ गलत तो नहीं बोल रहे तो है तो नहीं कर रही तो इसके लिए भी हमारा हो सकता है और अगर हम फोर्थ बात कर लेते हैं कि ए किस तरीके की जॉब कराएगी तो वो गवर्नेंस से रिलेटेड वो सारी चीजें भी ए हमें हेल्प कर रही है तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट भी कर रही है ऐसा नहीं कि सर रिप्लेस कर रही है तो

आप शुरू कर रहे हैं अगर आपने बेसिक चीजें कुछ नहीं पढ़ी है आप लेवन ट्वेल्थ में तो आपके लिए तो बहुत आसान है आप ऐसा डोमेन चूज करिए जो आगे बूम करने वाला है लेते आप डेटा इंडस्ट्री में अपना करियर बनाइए या डेटा साइंस ए मशीन लर्निंग एनएलपी इसमें करियर बनाइए आईओटी से लेकर बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आप करियर बना सकते हैं प्रोसेस के लिए इतना कर सकते हैं बाकी अगर आप प्रोफेशनल्स हैं ऑलरेडी आपने सारी चीजें सीख ली है तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि ए आई को प्रूव करने के लिए आप ए आई के टूल्स सीखिए सबसे पहला चीज है जितने भी टूल्स आ रहे हैं अगर आपको कोई रिप्लेस करेगा

ओके okay, ये जैसे आपने बताया कि टॉप थ्री कौन से रहने वाली आने वाले टाइम में तो ये हमेशा जैसा आईटी सेक्टर है तो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज आगे जितना हम जाएंगे चीज़ें चेंज होते रहेंगे तो आई विल से कि बेटर अप्रोच हमारा ये रहने वाला है कि हम इस अप्रोच को ही सीख लें कि, कि, कि किस टाइम पे हमें किस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए तो उसके लिए जैसे आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ा सा मार्केट अवेयरनेस लाना पड़ेगा रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस समय ट्रेंड पे चल रही है हम बोल सकते हैं बूम पे हो रही है तो उसको पता करने के लिए आपके पास दो तीन तरीके अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो हमेशा आपके लिए एक तरीका हो जाएगा टेक्नोलॉजी के बारे में पता करने के लिए तो पहला हम बोल सकते हैं वहां पर कि जो फंडिंग्स मिल रही हैं नए स्टार्टअप जो आ रहे हैं किस डोमेन के स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इसे फंडिंग मिल रही है मीन टेक्नोलॉजीज या सॉरी कंपनीज वहां पर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट मीन दैट ये आगे ग्रो करने वाला है इसी के साथ दूसरा जो सीओ हैं या बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो किन चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके प्रोफाइल्स क्या जा रहे हैं वो किन चीजों में बात कर रहे हैं तो वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सी टेक्नोलॉजी बूम पे होने वाली है कौन सी टेक्नोलॉजी आगे जाएगी इसी के साथ लास्ट हमारा क्या होता है लिंक पे इतने सारा डेटा पड़ रहा है सारी कंपनिया देती हैं जीडी में देती हैं क्या स्किल्स रिक्वायर है तो जो इसको सबसे ज्यादा कंपनीज़ मांग रही हैं आप उनको अपने आप बेहतर करिए उनको अपस्किल करते रहिए तो जितना आप अपस्किल वहां पर करेंगे तो आपके लिए उतना ही बेटर रहने वाला है तो ये कुछ तरीके हैं अगर हम बात करें कि इस समय कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं तो जैसा कि आपको पता है कि ए को जो है, है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने फंड किया था तो आज वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है ए तो आई हमारा इंपॉर्टेंट है इसी तरीके के साथ दूसरा example जो हम ले सकते हैं वो एनवीडिया का हुँ. उसको भी फंड किया गया मीनस एआई इतना ज्यादा ग्रो कर रही है तो मीन एनवीडिया ग्रो की तो यहां से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर एनवीडिया ग्रो की मीन्स एआई की फील्ड में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है तो क्योंकि वो एक ट्रिलियन से दो ट्रिलियन बन गई सिर्फ एक साल के अंदर इंडिया की इकोनॉमी एक ट्रिलियन से दो पहुंचने में तीन साल लगा दिया था तो ये तरीके हमारे कुछ देख सकते हैं यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा आगे टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रही है और हम सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा आंसर है आपका um, क्या एडवाइस देना चाहते हैं क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे ऑडियंस को देखिए एडवाइस एज अ मेंटर तो हम सीधे से बोलें कि पहली चीज अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो नन ऑफ द मैटर कि आप किस टेक्नोलॉजी है कुछ भी आप सीख रहे हो सबसे पहले आपको ध्यान रखना वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो भी चीज आप सीख रहे हो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए वो चीज जो भी आप सीख रहे हैं और अगर हम ए के रिस्पेक्ट में इसका आंसर दे रहे हैं तो आप सीधे से बोल सकते हैं कि देखिए आप आईटी सेक्टर में हैं आप कुछ चेंजेस जो भी हो रहे हैं उन्हें सीखना पड़ेगा इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं खुद को अपस्किल करना पड़ेगा तो आप जितना ज्यादा अपस्किल करेंगे तो उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है अगर हम रिसेशन के टर्म में देख रहे हैं तो वहां पर सिंपल सा एडवाइस है कि भाई रिसेशन है इकोनमी जो है वो आपको एडजस्ट करे तो इन द सेंस चार महीने छह महीने एक साल के बाद सारा कुछ नॉर्मल होने वाला है तब तक अगर कुछ अच्छा नहीं है जहां आप जाना चाहते थे नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं आप थोड़ा सा वेट करिए और जैसे ही इकोनॉमी का जो हमारा रिसेशन वाला पीरियड है ओवर होगा उसके बाद आप जो चाहते हैं जहां चाहते हैं जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए थोड़ी सी अपने कैरेक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी इसी के रिलेटेड और भी कुछ चीजें होती कि हमें जैसे अब स्किल हमने कवर ही कर लिया इसके साथ कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उन्हें आपको सीखना चाहिए तो ये सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं I think it's great advice, and thank you so much for taking the time out and joining us today and sharing such valuable insights with all of us. Um, agar, if you guys have any questions for Prince, sir, please drop them in the comments, and you will very happy. Thank you. Thank you so much.